Hey guys, welcome back to my channel. It's Super Beauty Tips and I'm Priyanka here. Hope you all are doing good. Today I'm going to share this makeup tutorial with you. ये makeup मैंने create किया है श्रद्धा कपूर से inspired होके और ये जो कि है साहू मूवी में song है इन्नी सोनी उसमें से ये मैंने एक makeup pick किया है और उसको achieve करने की कोशिश की है और अगर आप देखना चाहते हो कि इसे मैंने कैसे achieve किया है so आप इस video को end तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा मेरा एक और चैनल है समथिंग मैजिकल के नाम से उसको भी आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ अपना आई मेकअप उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेबलिन फिटमी का कंसीलर और इसे मैं अपनी पूरी आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ एंड देन इसे ब्लेंड करना है एंड उसके बाद मैं ये लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट लेके इसे अपनी आईज़ को सेट कर ले रही हूँ ताकि मेरा कंसीलर जो है वो क्रीज ना हो एंड देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट और इसमें से मैंने दो शेड्स पिक किए हैं अपने ट्रांजिशन शेड के लिए एंड आफ्टर दैट मैंने दूसरे पैलेट में से एक ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से ये ब्लैक शेड ले रही हूँ और इसे मैं अपनी हाफ लिड पे अप्लाई कर रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हो इससे मेरा बेस मेकअप जो है वो सेट हो जाएगा और उसके बाद मैं फर्दर जो भी शेड्स होंगे इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकती हूँ एंड आफ्टर दैट मैंने वेट एंड वाइल्ड का स्मॉल वाला आई शेडो लिया है और इसको मैं अपनी आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ और ये है टील ग्रीन कलर का एंड देन मैंने ये लिया है स्विस ब्यूटी का एच डी आई शेडो पैलेट उसमें से मैंने ये ब्लू कलर का शेड लेके इसके ऊपर अप्लाई किया है एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ अपने टी जोन एरिया पर एंड आफ्टर दैट मैं अपना फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है फाउंडेशन जो कि है मेबलिन फिटमी का एंड उसके बाद मैं अपनी अंडर आई एरिया पे मेबलिन फिटमी का ही कंसीलर भी अप्लाई कर रही हूँ और जॉ लाइन एंड नोज़ पे जहाँ भी मुझे लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे और इसे ब्लेंड कर देना है एंड उसके बाद मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट से इसे पूरे फेस को सेट करना है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट कर लूँगी एंड देन मैं क्रीज लाइन को भी थोड़ा सा बिल्डअप कर रही हूँ क्योंकि जो ट्रांजिशन शेड था वो थोड़ा सा फेड हो गया था दैट्स व्हाई एंड इसको ब्लेंड करना है एंड उसके बाद मैं ये थोड़ा सा ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का जो शेड है इसे मैं अगेन अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज पर और जो श्रद्धा ने मेकअप किया है उसी तरीके का अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ और फिर ब्राउज़ को फिल करना है एंड देन मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पे जो कि है फेसेस कनाडा का काजल ब्लैक कलर में एंड देन मैंने मेबलिन का मस्कारा अप्लाई किया है और मैंने ऑफ कैमरा पैक की मिंक लैशेस अप्लाई की हैं जो कि है M79 और उसके बाद मैं अपने फेस की कॉन्ट्रोलिंग कर रही हूँ कुछ इस तरीके से और फिर एक ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड उसके बाद मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्रोरिंग पैलेट एंड इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ भी मैंने कॉन्ट्रोरिंग की है और थोड़ा सा और अच्छे से कॉन्ट्रोरिंग हो जाए दैट्स व्हाई एंड उसके बाद मैं ये बनाना पाउडर ले रही हूँ इसे मैं अपने हाइएस्ट पॉइंट पर अप्लाई कर रही हूँ और अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो भी फिनिश लुक आएगा वो अच्छा आएगा एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एलिक गर्ल्स का ब्लश और इसे मैं अपनी एप्पल ऑफ माय चीक्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ काफ़ी लाइट का ये है तो एकदम मैच कर रहा है उसी तरीके का जो मेकअप है श्रद्धा का और मेरा फेवरेट ब्लश है ये एंड उसके बाद मैं बटन वॉइल का हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है ये देन उसके बाद मैं इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद ये आई एम्स्टरडम की लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ अपने लिप्स पे
सो या गाइज, दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक। होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये काफ़ी सेक्सी एंड ग्लैम टाइप का मेकअप है। ये इसे आप भी अचीव कर सकते हो और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे अनदर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।